सो गुड मॉर्निंग यूट्यूब, और कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज एक इंटरेस्टिंग सफ़र होने वाला है। एक्चुअल मुझे पटना जाना था, और पटना से फिर उधर से मुझे वापस बाई रोड आना था। यहाँ से मैं बाइक से पटना जाने वाला था, बट समहाउ आप उत्तराखंड सीरीज के लास्ट वीडियो में देखेंगे कि बाइक की टायर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है 2 बार पंचर होने के कारण, और टायर नया मिल नहीं रहा है। तो उसकी वजह से मुझे प्लान अपना ड्रॉप करना पड़ा। तो मैं आज अंबिकापुर जा रहा हूँ अभी, और अंबिकापुर यहाँ से अप्रॉक्स 22-30 किलोमीटर है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि मैं अपने डिस्कवर में जा रहा हूँ। कल ही डिस्कवर का 12 साल कंप्लीट हुआ है, 2008 में मैंने खरीदा था। तो बस चलिए, ये वीडियो मैं उत्तराखंड से इसके बीच में डालूंगा या उसके बाद डालूंगा ये मुझे नहीं पता, बट देखते हैं, जैसा भी होगा मैनेज करेंगे। तो निकलते हैं सफ़र पे, और मिलता हूँ रोड पे आपसे मोटो ब्लॉगिंग के थ्रू। बाय बाय। तो हाँ, मैं रतनपुर मेन रोड ना लेके ये सिपत रोड वाले रोड से जाऊंगा, जो कि बेलतरा निकालेगी। और ये सिपत रोड है, आपको आगे से एक पेट्रोल पंप है, उससे लेफ्ट लेना है अंदर। वो बिटकोना रोड है आई थिंक वो, और वो आपको बेलतरा मतलब अप्रॉक्स 35 किलोमीटर निकालेगी। तो बीच में जो रोड ख़राब है रतनपुर के आसपास, उससे आप बच जाएंगे। फिर वहाँ से आप राइट ले लेंगे तो सीधा पाली चले जाएगी वो रोड। चलिए चलते हैं, दिखाता हूँ आपको आगे, मुझे भी रिफ्यूल कराना है। तो जस्ट ये मोड़ आ गया है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्लैकवुड फर्नीचर आप लैंडमार्क समझ सकते हैं। जस्ट इसके आगे से आपको लेफ्ट लेना है, और यहाँ ये फ्यूल पंप है। तो मैं अपना फ्यूल भी करवा लेता हूँ बाइक को। चलिए, यहाँ से लेफ्ट जाना है, आगे से मिल जाते हैं। यहाँ से राइट जाना होगा अगर अब इधर साइड से आ रहे हैं तो। चलिए चलते हैं और आगे मिलता हूँ आपसे। ये देखिए, बेलतरा मार्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से आपको राइट लेना है उसी रोड में जब आप सीधा सीधा आते जाएंगे। और यहाँ का लैंडमार्क आप इस तरीके से जान सकते हैं कि जस्ट आगे 200 मीटर पे, 100 मीटर पे एक पेट्रोल पंप है। ये देखिए, श्री नंद पेट्रोलियम। इधर के लिए आप रतनपुर इधर से जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कटघोरा तरफ जाना है तो ये रूट लीजिए। वो रहा भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप आई थिंक, और यहाँ एक एनी कट है आई थिंक, उसे क्रॉस करना होता है। क्रॉस करके आप यहाँ निकलेंगे, अगर आप राइट चले जाएंगे तो आप सीपत जाएंगे, और आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है बेलतरा के लिए। और ये मेन हाईवे है सीपत जो जाती है, तो आपको सीधा सीधा चलना है आई थिंक। यहाँ से 15 किलोमीटर होगा और मेन रोड जो है उसमें मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं, फिर आगे मिलता हूँ आपसे। अप्रॉक्स बिलासपुर से 35-36 किलोमीटर है, यहाँ आप निकल जाएंगे। अब इसके बाद रोड कटघोरा तक, कटघोरा चोटिया तक खराब मिलने वाले हैं, और ये लेफ्ट चले जाएंगे तो वापस आप रतनपुर होते हुए बिलासपुर जाएंगे। ये मेन रतनपुर कटघोरा अंबिकापुर हाईवे है बिलासपुर, और ये राइट इधर जाना होगा आपको। और आप मुझे इस बाइक में शायद ज़्यादा नहीं देखें, ये मेरी फर्स्ट बाइक है, और जिक्सर का थोड़ा सा टायर का इशू था जैसा मैंने शुरू में बताया है, तो मैं इसलिए इसको लेके जा रहा हूँ अंबिकापुर तक। तो मैं
मैं सोचा वीडियो बना देते हैं एक रोड कंडीशन के बारे में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है बिलासपुर अंबिकापुर का। मैं उत्तराखंड वाला सीरीज़ नहीं देख रहे हैं, जस्ट मैं उत्तराखंड से आया हूँ राइट से, तो मैं लिंक कर देता हूँ वो सीरीज़ देखिए। बिलासपुर से उत्तराखंड बद्रीनाथ चाइना बॉर्डर, जो लोग नए हैं जो पुराने हैं वो तो जान ही रहे होंगे। देखिए जैसा कि रोड एक तरफ का बन चुका है। चलिए चलते हैं, मिलता हूँ आगे आपसे। पुरानी रहवास क्षेत्र है, थोड़ा जंगल एरिया है पाली के पहले। रोड अभी खराब ही है जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं तो कई बार रात हो जाता है जब पटना से मैं आता हूँ, तो अंधेरे में बहुत दिक्कत होती है रोड पे। पाली ये क्रॉस कर रहे हैं, पीछे पाली बस स्टैंड था आई थिंक, और यहाँ रोड का कंडीशन बहुत ही वर्स्ट है। अभी पीछे 15 किलोमीटर से रोड बहुत ख़राब है, और ये रहा वो टर्न जहाँ से आप चातुर्गढ़ के लिए लेफ्ट मुड़ेंगे। चातुर्गढ़ बहुत ही खूबसूरत जगह है, और जैसा कि आप बोर्ड देख सकते हैं चातुर्गढ़, इस पर मैंने दो वीडियो बनाए हुए अपने चैनल पे, दूरी 31 किलोमीटर। ये पाली से कटघोरा का रोड जैसा कि मैंने सुना है, और मैं पहले भी जान रहा हूँ कि ये रोड बहुत ख़राब है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है धूल डस्ट के। आपको नहीं दिख रहा होगा मेरे जैकेट का हाल, पूरा बेहाल हो चुका है। यही है रोड कंडीशन, और इसी में चलते रहना है। ये देखिए मेरे जैकेट का हाल, इधर देखिए। देखिए बीच बीच में ठीक ठाक है रोड, और ये जंगल एरिया है वन्य प्राणी रहवास क्षेत्र। यहाँ से इधर से ही चलते हैं, कट बड़ा होते हुए अंदर से। मैं बाईपास नहीं ले रहा हूँ क्योंकि गूगल में यही रोड शो कर रहा है, और यही रोड का मुझे आइडिया है, मैं हमेशा इसी रूट से आता हूँ। बाकी किसी को बाईपास के बारे में आइडिया है तो वो ज़्यादा अगर बेटर है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। और ये अभी कटघोरा क्रॉस कर रहे हैं, ये है होटल मुरली, यहाँ का बहुत फेमस है ये होटल। ये देखिए टोल रोड स्टार्ट हो गया है यहाँ से अब। बहुत ख़राब था, करीब रोड 85 किलोमीटर के बाद ये रोड आएगा बिलासपुर से, 80 से 85 किलोमीटर के बाद। ये देखिए यहाँ पे एक यादव होटल है अंबिकापुर से 115-120 किलोमीटर पहले, तो वहाँ रुका हूँ। मड़ई करके एक जगह है, अब यहाँ का पेड़ा बहुत फेमस है मैंने सुना है, चलिए ट्राई करते हैं। तो वहाँ
वहाँ का पेड़ा काफ़ी अच्छा था, और मैं रुका पेड़ा और एक आलू चाप आलू गिंडा खाया। तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ से पहुँच 110 किलोमीटर है अंबिकापुर, चलते हैं। रोड अभी तो इधर अच्छे हैं, आई थिंक उदयपुर तक रोड अच्छे ही हैं, उदयपुर लखनपुर तक, फिर उसके बाद देखते हैं। ग्राम चोटिया, जिला कोरबा। और ये रोड बहुत ही रिस्की है, मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट देखे हैं, ट्रक के बस के भी एक्सीडेंट अभी छोटिया में एक दिखा मुझे, तो थोड़ा सा संभल के चलेगा। वो वाह वाह, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सीनरी है, ब्यूटीफुल। और ये है आई थिंक ये बांगो डैम है इधर, और ये हसदेव नदी है जिसे हम क्रॉस करेंगे। पुराना ब्रिज वो वाला था जिससे हम जाते थे, वो जो ब्रिज आप देख पा रहे होंगे। सो हाँ जी, ये देखिए पीछे हसदेव नदी है मेरे, एक मिनट, मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये हसदेव नदी है, और ये पुराना वाला वो जो पुल है वो पुराना पुल है, जो ब्रिज है वो, और ये नया बना हुआ है। डस्ट से हालत देख सकते हैं उधर, जो कटघोरा के पहले हुई है। तो बस चलिए बढ़ते हैं, इधर तो रोड बहुत अच्छे हैं। पुराना पुल है वो जो आपको दिख रहा होगा, और ये इधर नया वाला जो बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से जो नज़ारे हैं बहुत ही शानदार हैं। और ये अभी मुर्गा पहुँच चुके हैं, ये है आई थिंक मुर्गा ढाबा, बिल्कुल। ये देखिए एक बस ऑलरेडी खड़ी है, प्रिंस बाबरा, अच्छी जायसवाल है, सॉरी, ये जसवाल ढाबा था। तो ये अभी ये उदयपुर पहुंच चुके हैं, और रोड कुछ दूर पहले ही से थोड़ा मतलब डाइवर्जन है, उसके पहले तक रोड बहुत अच्छे थे, 80-90 किलोमीटर तक कटघोरा के बाद। ये अभी लखनपुर पहुंचे हैं, और उधर रोड बहुत ख़राब हो गया वापस से, यहाँ से अंबिकापुर आई थिंक 20-25 किलोमीटर होगा। अंबिकापुर नगर निगम आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो बस अब रोड का आपको बता दूं कि बिलासपुर से जो बेलतरा तक का है, अगर आप अंदर से आएंगे तो रोड ठीक ठाक है, अच्छे रोड हैं, और बेलतरा से लेके कटघोरा तक रोड बहुत ख़राब है। पाली से कटघोरा तो वर्स्ट कंडीशन में है रोड, मतलब आप समझ लीजिए बिलासपुर से आप 40-35 किलोमीटर तक ठीक है, उसके बाद का 50-55 किलोमीटर रोड आपको ख़राब मिलेगा, जिसमें से 30 किलोमीटर बहुत ख़राब मिलेगा। कोरबा कटघोरा से इधर उदयपुर तक रोड एकदम शानदार है, बहुत शानदार रोड है, मतलब 100 किलोमीटर समथिंग, मतलब 140, और फिर उदयपुर से यहाँ मिक्स है रोड, बीच बीच में ख़राब है, नहीं है, मतलब 50-50 आप मान के चलिए। 220 किलोमीटर 230 किलोमीटर है अंबिकापुर बिलासपुर से, उसमें से आपको 150 किलोमीटर रोड अच्छा मिलेगा, और बाकी 70-80 किलोमीटर रोड जो है वो ख़राब है। तो आई होप ये आपको हेल्प किया होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर और हेलमेट, पीस। और वीडियो किसी भी रीजन से आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और नहीं अच्छा लगा हो तो आप बेशक डिसलाइक कर दीजिएगा, मगर फीडबैक दे के जाइए, वो बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच।